हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मजेदार टेक। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के एक ऐसे कमाल के सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिस सेटिंग को ऑन करने के बाद आपके फोन का इंटरनेट इतना फास्ट चलने लगेगा, इतना इंक्रीज हो जाएगा ना कि आप देखकर खुद ही चौंक जाओगे कि क्या ये मेरा ही फोन है। मेरे फोन में इतना फास्ट इंटरनेट तो नहीं चलता था, क्योंकि आप इस सेटिंग को ऑन करके नहीं रखे। जब आप नया स्मार्टफोन लेते हो तो कुछ दिनों तक आपके फोन का इंटरनेट अच्छा खासा चलता है, लेकिन जैसे जैसे ही आपके फोन यहाँ पे जूना होता है वैसे वैसे इंटरनेट यहाँ पे स्लो चलने लगता है। क्यों? क्योंकि आप इस सेटिंग को ऑन करके नहीं रखते, जो कि आपको अपने फोन में इस सेटिंग को ऑन करना चाहिए। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपके इंटरनेट का इतना स्पीड चलने लगेगा ना इंटरनेट कि आप खुद चौंक जाने वाले हो। तो अगर आप भी अपने इंटरनेट से परेशान हो, बहुत स्लो चलता है आपके फोन का इंटरनेट, तो उसके लिए क्या करना था, कुछ नहीं करना, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और एक छोटा सा काम कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर देना है, और बाजू में यहाँ पे बेल आइकॉन आ जाएगा उसे ऑल नोटिफिकेशन कर देकर दबा देना, ताकि जब मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सको। और वीडियो को ना लाइक कर देना है, और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। नाइस ट्रिक, सीक्रेट एप्लीकेशन, जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पे आपको कमेंट करके यहाँ पे सेंड कर देना है। बस इतना सा काम कर देना है और पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने फोन के इंटरनेट को इंक्रीज करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको अपने फोन के सेटिंग में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली सर्च कर देना है। आपको सर्च क्या करना है, RE दो वर्ड सर्च कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ये सर्च करते हो ना तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग आ जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी सेटिंग आ जाती है आपको, तो आपको कौन सी सेटिंग में जाना है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कौन सी सेटिंग में आपको जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिसेट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। रीसेट का ऑप्शन जो यहाँ पे आपको मिल जाता है उस पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपको तीन चीज यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तीन सेटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हो वाईफाई और यहाँ पे रीसेट परफेंस ऐप, और यहाँ पे आपको नीचे एक और सेटिंग मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको कौन सी सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पर जो आपको पहला सेटिंग मिल जाता है रीसेट वाईफाई मोबाइल ब्लूटूथ, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको वाईफाई मोबाइल डाटा और ब्लूटूथ यहाँ पे सब क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको ये सब मिल जाता है। और यहाँ पे आपको नीचे क्या मिल जाता है, रीसेट सेटिंग मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली रीसेट जो रीसेट सेटिंग दिख रहा है ना इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होता है, यहाँ पे आपके फोन पूरा क्या करेगी, रीसेट कर डालेगी। क्योंकि जो यहाँ पे आपके पूरे के पूरे फोन में यहाँ पे जब से आप न्यू स्मार्टफोन लेते हो तब से यूज करते हो, तब से इसके अंदर आपकी जो इंटरनेट है और यहाँ पे वाईफाई है उसमें जंक फाइल जमा हो जाती है जो कि क्लीन नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, जो यहाँ पे आपको सारी की सारी जंक्स होती है ना, यहाँ पे सारी की सारी जंक्स को क्या करेगा, यहाँ पे रीसेट कर देगा। इससे क्या होएगा, आपका फोन का जो इंटरनेट होता है बिल्कुल आसानी तरीके से चलने लगेगा, वाईफाई यहाँ पे सारी की सारी चीजें चलने लगेगा। तो रीसेट सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको अपने फोन का पासवर्ड डाल देना, तो यहाँ पे जो भी आपके फोन का पासवर्ड रहेगा वो आपको डाल देना है। डालने के बाद सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप जैसे तो रीसेट के सेटिंग मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या करना, सिंपली रीसेट कर देना है, यहाँ पे आपको दबा के रीसेट कर देना है। जैसे आप रीसेट करोगे तो यहाँ पे जैसे तो आपका वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क सारी की सारी चीजें यहाँ पे चली जाएगी। जाने के बाद यहाँ पे सिंपली क्या करना है, बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पे आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें क्लोज कर देना है। यहाँ से आपको पूरा का पूरा चीज यहाँ से आपको क्लोज कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लोज करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। फिर क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली अपने फोन को यहाँ पे रीस्टार्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे रीस्टार्ट करोगे अपने फोन को, रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे अपने फोन को यूज करना, इतना आसानी तरीके से आपका इंटरनेट चलेगा कि आप खुद यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि इतना अच्छा ट्रिक आपने बताया है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी और काम करती हो ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते नेक्स्ट वीडियो में नए एप्लीकेशन और नए ट्रिक के साथ।